दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हर्बल कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी इंडस्ट्री के शहनाज हुसैन और उनके द्वारा बनाई गई कंपनी शहनाज हर्बल इनकॉर्पोरेशन की, जिन्हें इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। शहनाज हुसैन का जन्म 1914 में एक शाही मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नसरुल्ला बेग इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर थे। उनके फैमिली में ज्यादातर आदमी या तो चीफ जस्टिस था या फिर सीनियर पॉलिटिशियन। उनके पापा और परिवार के नाम की वजह से उनको इरिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया। तभी शहनाज को पोएट्री और इंग्लिश लिटरेचर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वह आगे कुछ करती इससे पहले मात्र 14 साल की उम्र में नासिर हुसैन के साथ उनकी सगाई कर दी गई और मात्र 16 साल में ही उनकी शादी भी करा दी गई। उसी साल वह एक बच्चे की माँ भी बनी। शहनाज खुद के लिए लाइफ में कुछ करना चाहती थी। उनका इंटरेस्ट ब्यूटी वर्क में बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने ब्यूटी कोर्सेस सीखना शुरू कर दिया, लेकिन वो लंदन जाकर एक प्रोफेशनल ब्यूटी कोर्स करना चाहती थी। इसी बीच शहनाज के पति की पोस्टिंग तेहरान हो गई। शहनाज को हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे और इसके लिए उनको बहुत सारा पैसा जोड़ने की जरूरत थी, लेकिन एक कमी थी कि वो अच्छे से पर्शियन लैंग्वेज नहीं बोल पाती थी, इसलिए उनको ब्यूटी पार्लर में जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। बहुत एफर्ट करने के बाद फाइनली उनको ईरान ट्रिब्यून में एज ए ब्यूटी एडिटर का काम मिल गया। शहनाज इतनी ज्यादा मेहनती थी कि वो हर एक टॉपिक पर लिख देती थी जितना वो सोचती थी, और वो 10,000 वर्ड्स पर सप्ताह सबमिट करती थी, जबकि उनको टारगेट सिर्फ 500 वर्ड्स का दिया जाता था। और तब उनको एडिटर के जॉब से इनकम भी आने लगी। इसके बाद शहनाज लंदन से पेरिस, पेरिस से जर्मनी, जर्मनी से डेनमार्क, डेनमार्क से न्यूयॉर्क तक अपने कॉस्मेटिक थेरेपी और हॉस्पिटोलॉजी की पढ़ाई करती रही। पढ़ाई करते हुए उन्होंने वहाँ ये देखा कि लोगों के चेहरे पर साइंथेटिक कॉस्मेटिक यूज करने से चेहरे पर स्किन की काफी सारी समस्याएं होने लगती थी। उस टाइम उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो अपना एक प्राइवेट ह्यूमन कॉस्मेटिक क्योर क्लिनिक की शुरुआत करे, या फिर अच्छे हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ ब्यूटी मार्केट में एंटर करे। तो यहाँ उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में एंटर करने का सोचा, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं थी। फिर भी शहनाज इसी आइडिया पर टिकी रही। कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेने के बाद वो इंडिया वापस लौट गई। उसी साल 1977 में अपने पिता से 35,000 रुपया उधार लेकर अपने ही घर में एक सैलून की शुरुआत की। वे लंदन से ही अपने साथ सारे मेकअप इक्विपमेंट्स लेकर आई थी और सबसे अलग कॉन्सेप्ट केयर एंड क्योर के साथ अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में ही शहनाज हर्बल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत की। शहनाज रात भर जगकर अपने हर्बल प्रोडक्ट्स खुद ही बनाया करती थी और उस पर लेबल भी खुद ही लगाया करती थी। धीरे धीरे उनके अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के कारण उनकी डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी प्रोडक्ट्स दिल्ली से बढ़कर और भी बहुत सारे स्टेट्स में बिकने लगी, और कुछ दिन बाद ही उनके प्रोडक्ट्स लंदन में भी एक्सपोर्ट होने लगे, और अभी फिलहाल 138 से ज्यादा कंट्रीज में उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। शहनाज हर्बल में अभी 4200 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और इसकी कंपनी का टर्नओवर करीब 900 करोड़ से ज्यादा है। शहनाज ने शहनाज हर्बल पर कभी भी एडवर्टीजमेंट में पैसा वेस्ट नहीं किया। उनका नाम और उनकी फोटो ही ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है। इसी बीच शहनाज को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने लविंग हस्बैंड को खो दिया। 2018 में समीर हुसैन, जो कि उनका इकलौता बेटा था, एक मिस्टीरियस कंडीशन में उनकी जान चली गई। कहा तो जाता है कि ये एक सुसाइड था। नेलोफर, जो कि उनकी बेटी हैं, उन्होंने अपने माँ के स्ट्रगल्स बहुत करीब से देखा था, इसलिए नेलोफर ने अपनी माँ पर फ्लेम नाम की एक बुक लिख दी, और आगे जाकर वो नेलोफर ही थी जिसके वजह से उनकी माँ की दूसरी शादी आरकेपुरी से हुई। आरकेपुरी भी उसी कंडीशन में थे जिस कंडीशन से शहनाज गुजर रही थी। बाय प्रोफेशन आरकेपुरी भी एक एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने कैंसर से पीड़ित अपनी वाइफ को खो दिया था। शहनाज को 2006 में फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था।
और जैसे वुमेन सुपर अचीवर अवार्ड, आयुर्वेदा इनोवेशन अवार्ड, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड, लियोनार्डो दा विंसी डायमंड अवार्ड जैसे ही और भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते। दोस्त, सक्सेस भी उन्हें ही मिलती है जिनके अंदर भीड़ से अलग चलने की हिम्मत होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।